कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और आद्या अपनी मेहंदी दिखा रही है, तो ये रोने लगी थी तो इसको भी थोड़ी लगा दी थी मैंने। तो फ्रेंड्स, आज जो है काफ़ी सारा काम है और काफ़ी तैयारी हो गई है मेरी, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। पहले आज सुबह मैंने वीडियो डाल दिया तो आप लोग देख लेना, और बाकी जो भी रह गया है वो आज मैं पूरी करूँगी। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। तो अभी देखे फ्रेंड्स, मैं शाम के लिए जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ रस्ते के लिए। तो मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, आलू लिया है, मटर लिया है, और ये प्याज टमाटर, प्याज हाँ टमाटर भी हैं, अदरक लहसुन, टमाटर अलग रखे उधर। और अभी जो है मैं गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखे तेल भी गर्म कर लिया है, तो अभी इसको डाल देती हूँ मैं। तो गोभी देखे अभी मैंने फ्राई कर लिया है यहाँ पे, तो अभी मैं इसको जो है निकाल लेती हूँ। और साथ के साथ में मैंने यहाँ पे देखिए दूध भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आलू और मटर भी जो है फ्राई हो गया है, और ये मेरी गोभी पहले ही हो गई थी। तो अभी मैं जो है प्याज और अदरक लहसुन डालूंगी। तो अभी देखिए मैंने इसमें एक तेज पत्ता डाला है बस, और कुछ नहीं डालूंगी ज़्यादा, और बस अब प्याज का जो है इसमें तड़का लगा दूंगी, और अदरक लहसुन भी साथ में डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन सी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मसाला लिया हुआ है, ये नमक मिर्ची हल्दी सब मिक्स किया हुआ है इसमें, धनिया पाउडर। थोड़ी देर मसाले को भूनेंगे और इसके बाद जो है फिर इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं। थोड़ी देर मसाले का कच्चापन निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर जो है टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये देखिए मसाला जो है मेरा भून गया है अच्छा खासा यहाँ पे प्याज के साथ में ही। तो अब मैं जो है इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अभी भुनता रहेगा, फिर उसके बाद जो है हम इसमें अपनी गोभी, आलू और मटर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला मेरा हो गया था, और आलू मेरे जो है थोड़े से टाइट थे, तो मैंने आलू को जो है पहले डाल दिया था थोड़ा सा, और गोभी मटर मेरी अच्छी खासी इसमें जो है थोड़ी सी पक गई थी। तो अभी इसको मैं थोड़ा बाद में डालूँगी, और अभी इसको भी मसाले के साथ जो है पकाऊँगी, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा, टेस्टी टेस्टी सब्जी हमारा। तो सब्जी देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे फाइनली बन गई है, और अभी जो है मैंने आटा भी लगा करके रख दिया है। तो बाद में जो है मैं उसको बनाऊंगी, पराठों को लास्ट में बनाऊंगी ताकि गरम गरम रहें, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो अभी जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी जो है मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, खाना पीना जो है मेरा लगभग बन ही गया है, और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, ऋषभ का आने का टाइम भी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थ्रेडिंग करवा के आती हूँ, मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई अभी, तो चलो फिर पार्लर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी पार्लर में आ गई हूँ, और यहाँ पे जो है उनके और क्लाइंट भी थे, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे किसी का फेस नहीं दिखाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थ्रेडिंग भी मैं करवा के आ गई हूँ, और रास्ते में आद्या के लिए कैप भी ले आई, कैप मिल रही थी तो मैं उसके लिए कैप भी ले आई, काली वाली रखी है कह रही है, तो ये ब्लू कलर की ले आई मैं। और अभी घर बहुत फैल गया है तो समेटना है घर, झाड़ू वाड़ू लगानी है, और उसके बाद जो है फिर बाकी का काम करके फिनिश, और उसके बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो चलिए, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए। तो ये देखिए सब रेडी खड़े हैं यहाँ पे आद्या भी खड़ी है हमारी भालू बन के। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे रस्ते में ही। तो फाइनली फ्रेंड्स, ऑटो हम लोगों ने ले लिया है, और मेरे दोनों बच्चे जो है बहुत खुश थे गांव जाने के लिए, और मैं तो बच्चों से भी ज़्यादा खुश थी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए आगे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग देखिए स्टेशन पे, इधर आ, इधर कहाँ जा रही हो, ऐसे नहीं खो जाओगे बेटा, अभी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, आ जाओ इधर आ जाओ। फ्रेंड्स दिल्ली का निजामुद्दीन है यहाँ पे, दिल्ली का निजामुद्दीन स्टेशन ये देखिए, और हमारी ट्रेन आने में अभी काफ़ी टाइम है, आधा पौना घंटा है, यहीं से आएगी, इसी पटरी पे आएगी हमारी ट्रेन ना अभी। एक इधर भी ट्रेन रखी हुई है। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, हमारी यहाँ पे जो है ट्रेन आ गई है, और ये देखिए इस आदमी को कैसे सामने से ट्रेन आ रही है और पटरी से उतर के जा रहा है। इसी तरीके से जो है हादसे हो जाते हैं, लोग समझते नहीं है फिर भी। तो अभी फाइनली देखिए हमारी ट्रेन यहाँ पे आ गई है, और मैं बस इतना ही क्लिप लूँगी क्योंकि हमें जो है इसमें बैठना भी है। तो ये देखिए ये आ गई है हमारी ट्रेन, खजुराहो एक्सप्रेस है ये, तो अब हम इसमें बैठेंगे फिर मिलेंगे।
तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए हम लोग मैं ट्रेन में जो है बैठ गए हैं, और यहाँ पे जो है मेरी दो सिस्टर थी और मेरे दो भाई हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे पांचों बहन भाई जो है एक साथ मिल गए हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलूंगी, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।